से क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो नमस्ते जैन और जय राम जी की। दोस्तों, भाजपा ने इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन जिस तरह के हालात, जिस तरह के लक्षण कांग्रेस के बने हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर भाजपा 450 भी पार कर जाए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में 3 बड़े कांग्रेसी लीडर पार्टी छोड़ चुके हैं। पहले बिजेंद्र सिंह, फिर प्रवक्ता गौरव बल्लभ और अभी संजय निरुपम। इस सब में बड़ी बात यह है कि हर कोई पार्टी बाद में छोड़ता है, कांग्रेस को नंगा पहले कहता है। बिजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को गधा बताया था, बेवकूफ बताया था, एक अच्छा लीडर नहीं बताया था, तो गौरव बल्लभ ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया और संजय निरुपम ने तो आज कांग्रेस की बखिया ही उधेड़ दी। कट्टर कांग्रेसी चमचे प्रमोद कृष्णम की तरह कभी कट्टर चमचा रह चुके संजय निरुपम ने भी आज प्रमोद कृष्णम की ही भाषा बोली और कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक हर किसी की पोल खोल दी और एकदम उसी की तरह इंटरव्यू पर इंटरव्यू ये बना। उनको उनकी रिलेशनशिप क्या है, क्या चमचागिरी की रिलेशनशिप है? चमचागिरी तो प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है और ये सब निकम्मे लोग हैं, सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। उन्हीं में से एक इंटरव्यू है ये जो उसने दिया था रिपब्लिक टीवी पर अर्णव गोस्वामी के साथ। क्या कुछ हुआ इस इंटरव्यू में, चलिए देखते हैं। आज के 2 बड़े हेडलाइन है कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहला है कि संजय निरुपम का इस्तीफा या फिर संजय निरुपम का एक्सपेल किया जाना, जैसे ही आप इस खबर को देखें। और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो मतलब खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है। बस इसकी और कमी थी। जहां मैं जाता हूं, रॉबर्ट वाड्रा ने इंटरव्यू दिया है, हर चैनल को इंटरव्यू देने हैं कि जहां मैं जाता हूं देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाड्रा चाहिए और लोग कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी आपने इतनी देर क्यों कर दी। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। व्हाई हैव यू वेटेड सो लॉन्ग? आप जहां से लड़े, अमेठी से, मुरादाबाद से, आप रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिकली देखा गया है कि द एग्जिट ऑफ संजय निरुपम एंड द एंट्री ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। आप कैसे देखते हैं इनको? क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा दिशा दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? मैंने ऑलरेडी पहले से इतने सारे लोग हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग, जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं। तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है और इससे एकदम बहुत, जिसको बोलते हैं ना, क्रिटिकल डिजीज हो चुका है और इसका अब कोई इलाज नहीं, मुझे तो कोई इलाज नहीं दिख रहा है जिस पार्टी में। आपने आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 लॉबीज की बात कही। आपने कहा लॉबी नंबर 1 सोनिया गांधी, लॉबी नंबर 2 राहुल गांधी, लॉबी नंबर 3 प्रियंका वाड्रा, लॉबी नंबर 4 मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और लॉबी नंबर 5 केसी वेणुगोपाल। ये केसी वेणुगोपाल किस तरह की लॉबी है? मैंने भी पहली बार, ये कौन है? इतने इंपॉर्टेंट कब से बने कांग्रेस पार्टी में? और ये लोग जो जिन्होंने सराउंड करके रखा है आपकी सेंट्रल लीडरशिप को, क्यों करते हैं? मतलब उनको उनकी रिलेशनशिप क्या है, क्या चमचागिरी की रिलेशनशिप है? इज इट अ चमचागिरी वाली रिलेशनशिप है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए रिलेशनशिप ऑफ साइकोफेंसी, या वो वाली बात है, कुछ और है? नहीं, चमचागिरी तो है ही। चमचागिरी तो प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है और चूंकि हम कभी चमचागिरी नहीं कर पाए, इसलिए वहां का जो एक टॉप जो वो है, जो बॉडी है, उसमें कभी हम स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि हमसे ये सब नहीं होता। हम थोड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं, लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटलेस लोग हैं, और जिनकी लाइफ में एम्बिशन क्या है कि किसी तरह से राज्यसभा पहुंच जाएगा। ये बात तो सही, उसी की तपस्या में लगे हुए हैं और उसी की तपस्या पूरी हो जाए उसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग, अच्छा, बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल पहचान भी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अचानक चमचागिरी करके वो हाईकमान बन गए हैं। और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं, ऐसे लोग आपको निर्देश देते हैं, और ऐसे लोग जिनका कोई इलेक्टिव मेरिट नहीं है, जिनके पास कैसे लोग, किन लोग की कोई समझ नहीं है, केसी वेणुगोपाल को छोड़ के कौन है, कैसे लोग हैं ये किन की कैसे लोग हैं जो आप कौन लोग हैं? आप स्वाभिमानी व्यक्ति है, आपको अपना स्वाभिमान है, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर कौन है ये लोग, आप तो बोल सकते हैं ना खुलकर भी।
नहीं, ये सब इतने छोटे लोग हैं जो अचानक एक बड़ा लबादा ओढ़ करके बड़े बन गए हैं कि इनका नाम लेना मुझे लगता है कि मैं अपने आप को छोटा कर लूंगा। तो मुझसे नाम मत पूछिए, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मैं जो इशारा दे रहा हूं उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, और ये सब निकम्मे लोग हैं, सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, और ये इंटेलेक्चुअल बातें करके थोड़ी सी अंग्रेजी बोल बोल करके अपनी अपना अपना अपने एक राजनीतिक करियर को शेप कर रहे हैं। बाकी इनके पास इनका बैकग्राउंड, इनको इनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतार दो तो इनको कोई पहचानेगा नहीं, इनको मुंबई के बीटी स्टेशन पे पहुंचा उतार दो कोई पहचान, उनको गांव में कोई नहीं पहचानेगा, उनको दिल्ली में कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे लोग आजकल हाईकमान बन गए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनमें से सबसे अहंकारी कौन है, सबसे अहंकारी नेता कौन है या नेतागण कौन है? सब हैं, वैसे ही हैं सबके सब, जो जिनका कोई अपना बेस नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, जो एक आर्म चेयर पॉलिटिशियन वाली भूमिका में हैं, जो लोग बेसिकली एक बंद कमरे में सिर्फ एक 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 आइडियोलॉजिकल और पैचारिक बात करते रहते हैं, जिनका चुनाव लड़ने और जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है, तो एक एक सभी हारे हुए लोग हैं। और चुनाव हारने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी मानसिकता हार जाए, आप हारी हुई मानसिकता से नहीं जी सकते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे नेतृत्व की मानसिकता हारी हुई है, और पूरा नेतृत्व इस समय बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ और उत्साह विहीन है, और जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, वो नहीं। क्यों नहीं है सब? क्योंकि आज देश पूरा बदल गया है, देश की सोच बदल गई है, जो नया जनरेशन जो तैयार हुआ है वह बहुत तेजी से आगे निकलना चाहता है, वो पुराने आग्रहों से मुक्ति चाहता है, जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी सोच है उससे वो एकदम बाहर निकल गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी पार्टी का नेतृत्व तो उन लोगों के पास है जो उन पुराने विचारों, जो कुंद हो चुके हैं विचार, जो पूरी तरह से ठूठ बन गए हैं विचार, ऐसे विचारों के साथ जुड़ करके कांग्रेस को उभारना चाहते हैं या फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित होने के बजाय लगातार धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है, यह दिख रहा है, क्योंकि दो इलेक्शन हम हार चुके हैं। अब देखो, वैसे तो संजय निरुपम कल तक एक कांग्रेसी था, और पिछले कई सालों से ये बंदा कट्टर कांग्रेसी रह चुका है, तो इसकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली तो कांग्रेसी ही है। भले ही अभी इसने पार्टी छोड़ दी है, पर बीमारी इसको भी काफी पुरानी वाली है। लेकिन जो बात इसने बोली, जो बात प्रमोद कृष्णम ने बोली, जो बात गुलाम नबी आजाद ने बोली, जो बात हमारे हेमंत दा ने बोली, कॉमन इन सब में एक चीज है कि ये सभी पुराने कांग्रेसी थे, और इन सब का कहना है कि कांग्रेस में चमचागिरी चलती है, और चमचागिरी के दम पर ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको चमचागिरी नहीं आती, अगर आप चमचागिरी में मास्टर नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो कांग्रेस में आप सर्वाइव तो कर सकते हो, जिंदा तो रह सकते हो, बने तो रह सकते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रो नहीं कर सकते, और ये हर एक कांग्रेसी हमेशा ही बोलता है। कहने का मतलब है, जो लोग चमचागिरी के दम पर ही जिंदा है, जो लोग चमचागिरी कर करके अपना पेट पाल रहे हैं, वो लोग दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, है ना कलयुग? बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।